इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओडिशा की कटक में राहुल गांधी रैली कर रहे हैं और राहुल गांधी ने वहां पर राज्य की नवीन पटनायक सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा है कि केंद्र का भेजा हुआ पैसा जनता तक नहीं पहुंचता। राहुल ने आरोप लगाया है कि बीजेडी ने बीच में ही पैसा गायब कर दिया। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार हुए हैं, बीजेडी ने केंद्र से भेजे पैसे गायब किए, ये कहा राहुल गांधी ने। तो कटक में आज राहुल गांधी है और वहां पर अपने भाषण में उन्होंने कहा दलितों आदिवासियों पर यहां पर अत्याचार हो रहा है, बीजेडी सरकार पर निशाना साधा राहुल गांधी ने और साफ तौर पर कहा कि केंद्र जो पैसा भेजती है वो बीच में ही गायब हो जाता है, यानी सीधे सीधे बीजेडी सरकार नवीन पटनायक सरकार पर निशाना साधा राहुल गांधी ने। उड़ीसा के कटक में राहुल गांधी बोलते हुए उन्होंने ये बात कही। नरेगा स्कैम हुआ, हमने दिल्ली से आपके लिए नरेगा भेजा और जो पैसा हम भेजते हैं वो चोरी हो जाता है। मिड डे मील हमने बच्चों के लिए भोजन के लिए पैसा भेजा वो भी गायब हो गया। जो बच्चों के पेट में जाना चाहिए था वो भी है बीजेडी के लोग चोरी कर गए। और जो बीपीएल परिवारों के लिए चावल था उसको भी नहीं छोड़ा, ये भी उठा के खा गए। और फिर हमें कहते हैं भैया दिल्ली की सरकार पैसा नहीं भेजती। जितना पैसा हमने पिछले 5 सालों में भेजा इतिहास में ओडिशा को किसी और सरकार ने नहीं भेजा। और जो हमने भेजा वो ये इस्तेमाल नहीं करते। अभी जैना जी ने मुझे बताया 5,000 करोड़ रुपए इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और फिर कहते हैं भैया पैसा नहीं भेजा जाता है। और दिल्ली की सरकार ने क्या किया? हमने अधिकार की बात की, अधिकार की राजनीति की बात की, भोजन का अधिकार हिंदुस्तान के हर परिवार को गारंटी करके हमने भोजन दिलवाया। ये नहीं पूछा भैया कि किसी जात का किसी धर्म का है तो उसे भोजन दो, हर एक व्यक्ति को हमने भोजन देने की बात की। मनरेगा की बात की, जमीनी अधिकरण बिल दिलवाया, आरटीआई दिलवाया जिससे पहले जो भ्रष्टाचार छुपा रहता था वो बाहर आए। और सबसे बड़ी लड़ाई न्यामगिरी में हमने लड़ी, आदिवासियों की लड़ाई। तो केंद्र के द्वारा भेजा हुआ पैसा जनता तक नहीं पहुंचता, उनके विकास तक नहीं पहुंचता है, बीच में ही गायब हो जाता है, ये कहा राहुल गांधी ने।